बात करते हैं महाराणा प्रताप की, तो बहुत फेमस नाम है। पैदा होते हैं 1540 में राजस्थान में, ये 9 मई 1540 कुमलगढ़ राजस्थान में पैदा होते हैं। ये 13th मेवाड़ किंग थे और सबसे बड़े बेटे थे राणा उदय सिंह सेकंड के। तो ये फेमस किसके लिए हैं? बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो फाइट की जाती है 18 जून 1576 में। तो ये फाइट की जाती है राणा सिंह ऑफ मेवाड़ और राजा मानसिंह ऑफ अंबर। जो जनरल किसके थे? वो मुगल एम्परर अकबर के जनरल थे, जिसमें मुगल जो है विक्टोरियस हो जाते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, प्रताप, महाराणा प्रताप जो है एस्केप कर जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही बंगाल में रिबेलियन शुरू होते हैं अराउंड 1579 में, तो यहाँ पर क्या करता है महाराणा प्रताप जो है वेस्टर्न मेवाड़ को जो है अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसमें कुंबलगढ़ होता है, उदयपुर होता है और गोगुंडा होता है। अब इसी पीरियड में जो है वो नई कैपिटल बिल्ड करते हैं चावड़, जिसे डुंगरापुर मॉडर्न टाइम में कहा जाता है। और इनका जो घोड़ा था चेतक, उसके ऊपर जो है बहुत सी कविताएँ भी लिखी गई हैं और काफ़ी फेमस भी है कि ये भी पूछा जा सकता है कि चेतक किसका घोड़ा था। तो इस टाइप से भी UPSC ट्रिकी क्वेश्चन ले सकती है। तो इस पे भी कई हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं, बट अल्टीमेटली पूछा जाए चेतक किसका घोड़ा है, तो याद रखना है महाराणा प्रताप का घोड़ा है। तो जो उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में जो यूज़ किया था। अब ये न्यूज़ में क्यों था? एक तो प्रताप गौरव केंद्र बनाया गया है, वो क्या है? एक टूरिस्ट सेंटर है। कहाँ बनाया गया है? वो बनाया गया उदयपुर राजस्थान में। प्रोवाइड क्या करता है? महाराणा प्रताप के बारे में इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिस्टोरिकल हेरिटेज। अब देखिए इसके अलावा ये क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि 9 मई जो है उनका जन्मदिन होता है महाराणा प्रताप का, और 13th ये क्या थे, 13th राजपूत किंग थे राजस्थान मेवाड़ और राजस्थान के, और ये 1540 में पैदा होते हैं और 56 की एज में 1597 में इनकी डेथ हो जाती है। तो UPSC जिस जिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकती है, सभी खबर पूछ गए, जैसे प्रताप गौरव केंद्र की।